हेलो डियर स्टूडेंट, पहला असी प्लस वन जमात की पुस्तक मड़ी का दीवा दे कांड नंबर 3 दे पेज नंबर 19 तो लैके 35 तक रीडिंग कर चुके हैं। अते हुण नैक्सट बेटा असी पेज नंबर 36 37 अते 38 दी रीडिंग करनी है। पर सब तो पहला मैं तुहानू पेज नंबर 19 तो लैके 35 तक संखेप विच जानकारी देवांगी। ओके बेटा, कांड नंबर 3 विच असी पढ़ते हाँ कि जगसीर मंडी तो नरमा सुट के आ रहा हुंदा है, तां उसनू राह विच निक्का नाई मिलता है जो किते गंड देन जा रहा सी। ओह जगसीर नू आखदा है कि जे उसने किते गेड़ फेड़ बनाया हुंदा तां ओह भी हुण आराम नाल जिंदगी बतीत करदा अते उसदे पुत्तर उसका सारा काम सांभ लैंदे। इस तरह गल्लां करदिआं निक्का नाई जदों सूए की पटड़ी पै जांदा है तां जगसीर उसका नरोवा शरीर वेख के डूंघियां सोचां विच पै जांदा है अते उह जदों निक्के वल्लों निगाह हटा के अपने शरीर वल झात मारदा है तां उसनूं इस तरह लगदा है जिवें उह कदे जवान ही नहीं सी। इस तों उपरंत जगसीर अपनी जवानी बारे दे दिन याद करता है कि ओह भी निक्के नाई गेबे अते कीले नाल कबड्डी ते सौंची खेडिया करता सी। उसदे मित्र जदों कुड़ियां दीयां गल्लां करदे सन तां उसदा भी जी करता सी कि ओह भी कुड़ियां दीयां गल्लां करे, पर ओह संगाऊ सुभाअ दा मालक होण कारण अजिहा नहीं करता सी। इस तरह जदों ओह निक्के नाई दे व्याह गया सी तां उत्थे भी कुड़ियां ने उसनू बहुत मखौल कीते सन, पर जगसीर कुड़ियां नू अगो कोई जवाब ना दे सकिया अते व्याह तो 3-4 दिन बाद गेबा कीला अते जगसीर निक्के नाई दी पत्नी भानी दी मूँह विखाई लई गए। पर जगसीर ने जदों निक्के दी वहुटी दे चेहरे दा खब्बा पासा वेख्या तां उसदा सारा शरीर सुन्न हो गया। उस दिन तो बाद ओह किसे ना किसे बहाने निक्के दे घर अगों दी लंघदा सी, पर काफ़ी कोशिश करन दे बावजूद भी भानी दा सारा रंग रूप कदे ना वेख सकिया। इस तो बाद भानी अपने पेके चले जाती है ते ओह जदों पूरा सियाल पेके कट के वापस परतदी है तां जगसीर नूं इस तरह जापदा है जिवें उजाड़ पिया पिंड छपार दा मेला बन गया होवे। ते ओह एक दिन जदों निक्के नाई दे घर गया तां उस कोलों भानी दा रंग रूप वेख के झल्लिया ना गया ते उसने नीवी पा लई। उस समय भानी ने उस नूं जदों कहा कि इस तरह डर के नहीं पुगदियां तां इह सुणदिआं ही जगसीर उहनां दे घरों निकल आया। उसे दिन जदों उसने खेत तों मुड़दिआं निक्के नाई दे घर वल झात मारी तां उस नूं कुछ ठीक ना लगा। अगले दिन उस नूं काके दे मुंडे कोलों इह प्रतक होया कि निक्के नाई ने अपनी पत्नी भानी नूं घोटने नाल कुटिया सी। उस दिन जगसीर सारा दिन कीले दे पेड़ जा के टांगर दी झुग्गी विच पिया रहा ते शाम नूं शराब पी के निक्के दे घर वल नूं तुर पिया। उत्थे पहुँच के जगसीर ने जोर दी ललकारा मारदे होए निक्के नूं घर तों बाहर आउण लई कहा तां निक्का जगसीर दा ललकारा सुणदे ही गंडासी चुक लिया। कीले ने निक्के नूं जदों अजिहा करदे होए वेख्या तां उसने भी ललकारे मारने शुरू कर दिते ते ओह आपस विच लड़न लग पए। पर सियाणी उम्र दे बंदिआं ने कीले ते जगसीर नूं समझा के घर भेज दिता। अगले दिन जगसीर नूं गेबे राही पता लगा कि भानी नूं उसदा प्यो ते वड्डा भरा अपने नाल लै गए सन अते ओह निक्के दे परिवार नूं भी काफ़ी डरा धमका के गए सन। इस तरह लोग हाड़ी की फसल की
ਵਾਢੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਗਸੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਗਸੀਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੌਣਕੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਸੀਰ ਜਦੋਂ ਰੌਣਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ 36 ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 36 ਦੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਵਰਡ ਬੇਟਾ ਗੜਕੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਗੰਗਾ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਸੇਰੀ ਇੱਕ ਤੋਲ ਹੈ ਬੇਟਾ 2 ਕਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਵਾ ਅਫੀਮ ਦਾ ਮਾਵਾ ਜਿਵੇਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਵਰਡ ਹੈ ਕੋਤਲ ਘੋੜੇ 'ਤੇ। ਕੋਤਲ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਕ ਲਾਈ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ, ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ, ਅਬਾ ਤਬਾ ਬੋਲਣਾ, ਅਬਾ ਤਬਾ ਬੋਲੀਏ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਨਹੁੰ ਪੰਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ। ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 36 ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਸ ਪੈਰੀ ਦੀ 35 ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹਾਸੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ 36 ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਸ਼ਕੇ ਤੇਰੇ, ਰੌਣਕੀ ਗੜਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਸੰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਸੇਰੀ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਭਾਰੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮਲੇ ਦੇ ਬੇਰ ਕੁਜਿੱਡਾ ਮਾਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਲੈ ਵੇਖ ਕੇਰਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਕੋਤਲ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਏ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਤਲ ਘੋੜੇ 'ਤੇ, ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਬੇਲੀ ਲੂੰਬੜ। ਸੰਤੋ ਨੇ ਟੋਕ ਲਾਈ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਚਿਰੜ ਚਿਰੜ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਓਰ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਓਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਗੇ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਂ ਹੀ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਐਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੋੜ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੌਲਾ ਭਰ ਕੇ ਰੌਣਕੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਸੀਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਵਾ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੌਣਕੀ ਤੋਂ ਚੁਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੁਆ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਰੌਣਕੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤੋ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਵਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਈ, ਪਰ ਸੰਤੋ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਅਰਗੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੋਠਾ ਭਰਿਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗਸੀਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਦੁਖਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੌਣਕੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਫੀਮ ਦਾ ਮਾਵਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਰੌਣਕੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੌਣਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੌਣਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੌਣਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਵੇਖ ਕੇਰਾਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਕੋਤਲ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਫੀਮ ਖਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤੋ ਰੌਣਕੀ ਨੂੰ ਟੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾ ਲਗਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਗਸੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਦਾ ਮਾਵਾ ਤਾਂ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਰੌਣਕੀ ਵੀ ਸੰਤੋ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਅਫੀਮ ਦਾ ਮਾਵਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਤੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮੰਦਾ ਭਲਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ
इस पिछों किन्ना चिर संतो बुड़ बुड़ करती रही पर रौनकी खंगूरे मार मार उहदियां चिड़ां पनाउंदा रहा। संतो होर धमकदी गई ते अबा तबा बोली गई। जगसीर उहनां दे नहों पंजे वेख के मुस्कुरांदिया खेत नूं तुर गया। उहदा सारा शरीर जिवें खुल गया सी, सोचां वी तेज हो गईआं सन। उह कुछ चिर रौनकी ते संतो बारे सोचदा आया पर फिर उहनूं भानी याद आ गई। अफीम दा नशा घटदा जा पिया पर हुण हौली हौली उहने मन नूं इन्ना साध लिया सी कि भानी दा चेता आउंदिआं ही उह सुरत किसे होर पासे मोड़ लैंदा। इस मोड़ पिछों उहदे अंदर जिहड़ी चीज़ पैंदी उह भानी दे चेते नालों कई गुणा वध दुखदाई हुंदी सी, पर फिर भी उहनूं भानी दे ख्याल तों इस पीड़ नालों वधेरे डर आउंदा सी। इस तरह जगसीर जदों संतो ते रौनकी नूं आपस विच प्यार नाल लड़दे झगड़दे हुए वेखदा है तो हसदिआं खेत नूं चला जांदा है। तो उस नूं इस तरह लगता कि जिवें हुण उसदा सीर खुल गया होवे। ठीक है, तो राह विच पहलां उह रौनकी ते संतो बारे सोचदा है पर फिर उसनूं भानी दा चेता आ जांदा है। ठीक है, पर फिर उह की करदा है कि अपने मन नूं समझाउंदा है कि उसनूं भानी दी याद ना आवे, इसलिए अपने मन जो सी उसनूं किसे होर पासे मोड़दा है। पर फिर भी उसदे अंदर एक चीज़ जी पैंदी सी, उसदे अंदर जिवें उसनूं एक घबराहट जी हुंदी सी ते इस चीज़ दे नाल उसनूं बड़ा डर जिहा महसूस हुंदा सी कि किते उसदे अंदरलियां भावनावां सब दे सामने ना आ जाण। नैक्सट बेटा, जगसीर दी देह दिनों दिन घटदी गई। इसे समय विच उहदा प्यो मरन करके घर दी कबीलदारी दा भार उहदे उत्ते आ पिया। अपनी कबीलदारी भावें उहदी कोई नहीं सी पर उहदियां चार भैणां विच्चों कोई ना कोई आई रहिंदी। उहनां दा लैण देण कई वारी पूरे परिवार दे खर्च नालों वध हुंदा सी। इन्हां जिम्मेवारियां ने जगसीर नूं होर गंभीर कर दित्ता सी। नाले उम्र 25 तों उत्ते होण करके उंज वी उह अपने आप नूं हुण मुंडा खुंडा महसूस नहीं सी करदा। उहदे हर काम विच कबीलदारां वाली गंभीरता आ गई सी। प्यो वाला सीर निभाउणा हुण उहदी जिम्मेवारी सी। काम उत्तों दी ते खुराक घट होण करके देह दिनों दिन घटदी जांदी सी। मन उंजी मनूर होया पिया सी, मनूर होया पिया सी, जिवें बड़ा उदास जिहा सी, दुखी सी। ठीक है, हुण बेटा इत्थे की दस्या है कि जगसीर जिवें पहलां देह तोड़ के काम करदा सी उस तरह हुण उस कोलों काम नहीं सी इन्ना हुंदा। दूसरे पासे उसदे प्योर ठोले दी मौत हो जांदी है ते घर दी सारी जिम्मेवारी दा भार उसदे मोढ़िआं ते आ पैंदा है। उसदीआं चार भैणां सन ते चारां भैणां विच्चों जदों कोई ना कोई उसदे कोल आई रहिंदी, उहनां दे नाल जो लैण देण हुंदा सी मतलब उस दी जिम्मेवारी वी उसनूं निभाउणी पैंदी सी ते कदे कदाई खर्चा भैणां दे लैण देण दा जो खर्चा सी पूरे परिवार दे खर्चे नालों वी वध हो जांदा सी। ठीक है, इस तरह ये जो जिम्मेवारियां सन इन्हां ने जगसीर नूं होर गंभीर कर दिता सी ते उह वी अपने आप नूं हुण कोई जवान मुंडा खुंडा महसूस नहीं करदा सी। हुण एक तां उसनूं काम बहुत पैंदा सी पर उस दे अनुसार उसदी खुराक घट हो गई सी। इसदा की नतीजा निकलदा है कि उसदी देह दिनों दिन घटदी जांदी है, भाव कि उह शरीरक तौर ते कमजोर हुंदा जांदा है। नैक्सट बेटा, हुण असीं पेज नंबर 37 दे पहले वर्ड मीनिंग डिस्कस करांगे। देखो बेटा, फर्स्ट वर्ड है मेक सकदे, बराबर नहीं सी मेक सकदे, मतलब मुकाबला नहीं कर सकदे सी। गिला होना, नाराजगी होनी, बड़ी पीड़ नाल आखदा, बड़े दुख नाल आखदा। रुकियां मतलब रुकियां हुई कुड़ियां जिवें इत्थे वर्ड सी। ठीक है, रुकियां मतलब जिन्हां दे जे विआह नहीं होए सन, काफ़ी जो उम्र दियां सन। बजो बत्तियां, अपाहज, अड़िका पै जांदा, रुकावट पै जानी। नक रगड़ के, तरले मिनतां करके। जामन, हुण इत्थे जामन लै के बेटा मतलब जिम्मेवारी नाल, किसी दी जिम्मेवारी ते। ताड़ के, समझा के। ओके बेटा, हुण पेज नंबर 37 दी असीं रीडिंग करांगे।
ਭਾਨੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ 2.5 ਵਰੇ ਨਾ ਤੋਰਿਆ। ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੇਕੀ ਜਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋਸ਼ੀ ਲੱਗੀ। ਨਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਸਾਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਨੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗ ਵਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਭਾਨੀ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਗਏ ਪੂਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਨੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 2.5 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਸੀਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਅਫੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ 2, ਫਿਰ 3 ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਮੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ 10 ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ 15 ਵਾਰੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਦੇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਕ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਆਖਦਾ, ਜਗਸਿਆ ਬਾਈ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਐਂ ਦੇ ਗਾਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੂਗੀ? ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਹੈ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ, 5-7 ਵਰੇ ਜਿਉਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੇਖਾ ਦਿਆਂਗੇ? ਜਗਸੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ 2.5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਸੀਰ ਜੋ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 1 ਮਾਵਾ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ 3, ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਸੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਉਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਾਹ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰੀ ਅਤੇ 15 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਗਸੀਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਗਸੀਰ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ 5-7 ਵਰੇ ਜਿਉਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੇਖਾ ਦੇਗਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵੱਜੋ ਵੱਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਗਸੀਰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਨੰਦੀ ਨਾ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਧੀ ਵਾਲੇ ਆਕੜ ਬਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਨੀ ਮਾਰ ਅੰਨ 'ਚ ਡੋਈ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਨੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਗਸੀਰ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਆਖਦਾ ਇਹ ਬੇੜ ਮੈਥੋਂ ਘੜੀਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜੋਵੱਤ ਅਪਾਹਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੇ ਜਗਸੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਨੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਧੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਕੜ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਧੀ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ, 2.5 ਵਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਆਥਣ ਤਾਈਂ ਮੰਡੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਕੇ ਕੇ ਬੋਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਭਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਆਏ। ਮੁੜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ
ते ना पानी नू अंदरों निकलदियां वेख्या। फिर 2.5 साल तक निक्के नाई दे नाल पानी नू उस दे पेकियां ने नहीं तोरिया सी, पर उस तो बाद उसने नक रगड़ रगड़ के मिनतां तरले करके पानी नू लियांदा ते जो निक्के दे अंग साख सन उन्होंने जिम्मेवारी लई सी कि निक्का बा हुण कोई अजिही हरकत नहीं करेगा, भाव कि पानी दे उपर कदे हाथ नहीं चुकेगा। ठीक है, तो जिस दिन वह आते ने निक्का काफ़ी हनेरे तक पहले मंडी बैठा रहिंदा है, फिर जो काके दा बोता भाव ऊठ आउंदा है तो दोवें पिंड आ जांदे हन। नैक्सट बेटा, जगसीर नूं जिदे पानी आई दा पता लग्या तां उहदे सारा दिन उहदे अंदरली चीज़ पहलां नालों वधदी गई, पर आथण ताईं आपे ही हट गई। गंढ इन्नी कसी गई सी कि हुण दंदां नाल भी नहीं सी खुलदी जापदी, किहड़ी गंढ प्यार दी गंढ। ठीक है, कई दिन उहनूं कीला ते गेबा छेड़दे रहे, पर उहदी गंभीरता वेख के आपे ही चुप कर गए। कई वारी उहदे चित ने आप भी उछाला खाधा कि निक्के की गली विचों, नैक्सट पेज दे बेटा लाइन, निक्के की गली विचों लंघे, पर फिर भी उहनूं उहो जिही होशी गल लगी जिहो जिही पानी दे पेके जाण वाली गल लगदी सी। मतलब जदों जगसीर नूं पता लगता है कि पानी पिंड वापस आ गई है, तो उस समय उसके मन विच एक चीज़ ही पैंदी है कि उसका दिल करता है कि वह पानी नूं मिलन जाए। ठीक है, इतों तक कि कीला ते गेबा जो उसके मित्र सन वह भी उसनूं मजाक करते सी, पर जो उसनूं चुप कीतियां वेखते सन तो खुद ही चुप हो जाते सन। ठीक है, फिर जगसीर का कदी कदी दिल करता सी कि वह निक्के की गली विचों लंघे, पर उसनूं ये गल मूर्खता भरी लगती सी। नैक्सट बेटा, हुण असीं पेज नंबर 38 दे पहले वर्ड मीनिंग डिस्कस करांगे। आथने हनेरे मतलब शाम नूं हनेरे होए, सुते सुभा सुभावक, पैर थाएं गड्डे गए, पैर जिवें कदम उत्थे ही रुक गए, पुआई गई कुमाई, ठीक है, धौण पासे भी ना कुमाई गई तो कुमाई कमाउणा, बज भी पुआ ली, बज पुआ ली मतलब कि दाग भी लुआ लिया है, नमोरा निरमोहा, पैरां दी बिड़क पैरां दी आवाज़, गुम सुम होया चुप चाप होया। ओके बेटा, हुण 38 पेज दी असीं रीडिंग करांगे। चौथे पंजवें दिन ओह आथने हनेरे पाणी लाउण खेत नूं जाण लग्या तां धर्म सिंह दे घरों निकलदिआं सुते सुभाई फिरनी पै के पिंड दे उत्तों उत्तों दी हो तुरिया, कहीं मोढे उत्ते तरी ओह नीवी पाई तुरिया जांदा। जदों उतां झाकिया तां उंज त्रबक गया जिवें उहदे पैर हेठ सप आ गया होवे। ओह निक्के के गली दे मोड़ उत्ते आ गया सी, एक बिंद रुकिया अगे पिछे झाकिया, उहनूं गली विच कोई ना दिसिया, उहदे अंदर ओह पुराणी पीड़ उठी। इंज उतां मूँह करके झाकदिआं अपने आप कोलों शर्म आई ते पहलां वांग ही नीवी पा के फिरनी उत्तों दी गहीरियां कोलों हो के पही पैन दी सलाह नाल उधर नूं मुड़ पिया। हुण देखो बेटा, जदों पानी आ जांदी उस तों चौथे पंजवें दिन, ठीक है, जगसीर ने अपने खेत नूं पानी लाउण जाणा सी ते उह सुत्ते सुभाई फिर फिरनी दी उत्तों दी पैंदा है। ठीक, तो जदों निक्के दी गली दे कोलों दी लंघदा है तो उस समय एकदम त्रबक जांदा है किवें कि जिवें एक इंसान दे पैरां हेठ सप आ जांदा है। ठीक है, तो पहलां तो एक बिंद जदों निक्के दी गली दे मोड़ दे कोल आउंदा है थोड़ा समा रुकदा है, अगे पिछे वेखदा है, पर उहनूं गली विच कोई नहीं दिसदा। मतलब उसदा दिल करदा है कि उह निक्के दे घर जावे, उस कोशिश अपने मन विच उसदी इही इच्छा सी कि उह जाणा चाहुंदा सी, पर फिर उसनूं अपने आप च शर्म जी महसूस हुंदी है, फिर वह नीवी पा के फिरनी उत्तों दी हो के गहीरे गहीरिया वर्ड बेटा जिहड़ा आया ना, ये पाथियां जो होंदियां ने उन्हां नूं इकट्ठियां करके रखा जांदा है। ठीक है, मतलब कि जिवें मीह आ तो बचाउण वास्ते तो गहीरा बना दिता जांदा है, गोए दे नाल उसदा लेप कर दिता जांदा है। ठीक है, नैक्सट बेटा, हुण उहनी अखीं झाक तां पै एक बड़ी मिठी ते मध्यम आवाज़ जगसीर ने गहीरियां कोलों लंघ के सुनी ते उहदे पैर थाएं गड्डे गए।
एक बिंद दा बिंद जगसीर तो धौन भी पासे ना पवाएंगी। उन्हू अपनियां लत्तां कंबदियां चापियां, तेरे पिछे सारी उम्र की बज भी पवा ली कड़मिया, ते हुण एडा नमोरा हो गया। उही आवाज़ उन्हू फिर सुनी ते नाल दी नाल एक भुब जिहड़ी उन्हू सिर तो पैरां तक सुन कर गई। उन्हू जापिया सिरों धुर थले तक जिवें किसी ने उन्हू आरी नाल दुफाड़ कर दिता सी। जगसीर ने अपना नरोई पांड जिन्ना भारा सिर उतां चुकिया ते एक हाथ विच गड़वी फड़ी, हनेरे विच अखां पूंजदी पानी दी इको तकनी उन्हू अन्ना कर गई। उस उवें फिर अखां नीवियां पा लईआं। तैनू की पता है भानो, मैं भी किवें दिन पूरे करदा। इको बोल ते फिर जगसीर सच्ची अन्ना हो गया। उन्हू कुछ नहीं सी दिस रहा, अपने पैरों की बिड़क उन्हू सुन रही सी। दो होर पैरों की बिड़क उन्हू सुनी जो सावी चाल नहीं सन तुर रहे। सावी चाल मतलब बराबर की चाल। तो फिर वह गुमसुम होया तुरिया गया। खेत जा के जगसीर उवें पानी लाउंदा फिरिया, पर अद्धा पानी ला के वह इन्ना निडाल हो गया कि उतों खड़ोता भी नहीं सी जांदा। पंते नूं ताप चढ़िया कह के वह टाली हेठ जाके लम्मा पै गया। हुण देखो जगसीर बेटा जदों निक्के दी गली विच्चों निक्के दी गली दे मोड़ दे कोलों दी लंघदा है, तां उस समय जदों उसदा दिल करदा है कि निक्के दे घर वल झाती मारे, पर फिर अपने आप ते शर्म महसूस हुंदी है। ठीक है, फिर जदों पहे पैण दी पहा हुंदा है कच्चा राह, पही पैण दी उहदी सलाह हुंदी है। जदों उधर नूं मुड़दा है तो उसनू आवाज़ सुनाई दिंदी है कि अखी झाक तां पै। वह आवाज़ कि जी सी पानी दी सी। ठीक है, मतलब कि उसनू ये गल आख रही सी कि उसदे करके उसने दाग भी लवा लिया, तो वह हुण इन्ना निरमोहा हो गया कि उसकी आवाज़ भी नहीं सुन रहा। ठीक है, फिर जगसीर उसनू जदों उसकी गल सुनदा है तो उसनू अपना सिर बड़ा बहुत ही भारा जिहा महसूस हुंदा है। ठीक है, पर फिर वह पानी नूं ही गल कहिंदा है कि उसनू की पता है कि अपने दिन किवें लंघा रहा है। ओके बेटा, तो फिर बाकी उसनू उस समय होर कुछ सुनाई नहीं दिंदा, सिर्फ उसनू किहड़ी चीज़ दिखाई दिंदी जां किहड़ी चीज़ सुनाई दे रही सी, एक अपने पैरों की आवाज़ ते एक दो होर पैरों की आवाज़, मतलब कि पानी के पैरों की आवाज़। जिवें इंसान अन्ना च हो जाता उसनू इस तरह ही महसूस हुंदा है। फिर वह उतों चुप चुपीता गुमसुम होया चला जाता है। तो जदों जगसीर पानी ला रहा सी, जदों अद्धा पानी ला लैंदा है तो अपने आप में बड़ा जिवें उसके शरीर में बल ही ना रहा होवे, उसनू इस तरह महसूस हुंदा है। पंता जो कि धर्म सिंह का वड्डा पुत्र सी, उसनू वो ये गल कहिंदा है कि जिवें उसनू ताप चढ़ गया होवे, इसलिए जगसीर टाली दे हेठां जा के लम्मे पै जांदा है। ओके, मतलब कि पंता ते जगसीर दोवें खेतां विच पानी ला रहे हैं, पर जगसीर पंते नूं कहिंदा है कि उसनू जिवें ताप चढ़िया है इसलिए वह आराम करन लई टाली दे हेठां जा के लम्मे पै जांदा है। ओके बेटा, नैक्सट देखो, अद्धी राती चंद चढ़िया तां जगसीर नूं अपने खब्बे पासे लम्मा सारा कुछ चमकदा दिसिया। उसने गहो नाल वेख्या, मतलब ध्यान नाल वेख्या, काला सप सी। वह ठंडी धरती उत्ते कलोला करदा उहदे नेड़े आ गया। जगसीर ना उठिया ना बोलिया। सप पहलां उहदे पैरां वल दी होया ते फिर सज्जे पासे दी हो के उहदे ढिड उत्ते आ चढ़िया। जगसीर हिल पिया रहा, मतलब हिलिया नहीं सी। उहदे चित विच सप दा उक्का कोई सहम नहीं सी। सप उहदे ढिड उत्तों दी लंघ के अगले पासे उतर गया। उहदी जीभ दी शूकर, सप दी जीभ दी शूकर मतलब फुंकारा। नैक्सट बेटा, अगले पेज ते ने दो तीन लाइना, जगसीर नूं सप सौंदी रही। फिर किन्ना चिर उहदे खब्बे पासे टाहली तो दो करमा दी वेथ उत्ते निक्की जी टिब्बी दे ठंडे रेते उत्ते खेडदा फिरिया। निक्की जी टिब्बी इत्थे कीड़ी है, रेत दा थोड़ा उच्चा जिहा ढेर। जगसीर ने निगाह उहदे विच गड्डी रखी ते जदों टिब्बी दे परले पासे चला गया तां जगसीर उठ के बह गया। हुण जदों जगसीर पंते नूं इह गल आखदा है कि उसनूं ताप चढ़िया होया महसूस हो रहा है, टाली हेठां जा के लम्मे पै जांदा है, पर उस समय वह की वेखदा है, अपने खब्बे पासे एक काला सप सी। ठीक है, जदों जगसीर दे नेड़े आउंदा है जगसीर ना तां हिलदा है ना बोलदा है ना उठदा है। ठीक है,
फिर वह सप्प जगसीर के ढिड उत्ते आ चढ़ता है। पर जगसीर के मन में सप्प का कोई डर नहीं सी, क्योंकि उसके मन के सिर्फ जिवें पानी के ख्याल आ रहे सन। उसकी सप्प की जो जीभ की आवाज़ सी, जो उसके फुंकारे सन, वह भी जगसीर नूं सुनाई दे रहे सन। ठीक है, पर उसके उपर कोई असर ही नहीं हो रहा सी। ठीक, इस तों बाद जदों सप्प ठंडी रेत उत्ते चला जाता है तो जगसीर सिर्फ उस दे विच निगाह कढ के वेखदा रहिंदा है। मतलब कि बेशक सप्प उसके शरीर उपर आ गया, उत्ते कलोलां करदा रहा, पर जगसीर दे उपर इस गल का कोई असर नहीं सी। उसके मन में सप्प के डंग डसे जाण का कोई डर ही नहीं सी। उसके मन में सिर्फ पानी के संबंधी विचार आ रहे सन। ओके बेटा, इत्थे तक साडा पेज नंबर 38 की रीडिंग हुई है। हुण नैक्सट तुसीं पेज नंबर 39, 40, 41 ते 42 पेज जो ने, ये इन्हां पेज के वर्ड मीनिंग जो ने प्लैन करने ने, और नाल ही पेज नंबर 19 तो लैके 38 तक भी सारे पेज रिवाइज़ करने ने। ओके बेटा, थैंक यू।